हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे 12 नंबर का क्लास RRB NTPC एग्ज़ाम्स 2024 GK GS का, ठीक है, प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। इसके पहले हम 11 क्लास जो है यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, आज हमारा 12वां क्लास है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह का इसमें है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के महानतम शासक थे। यहाँ पे जो खाली स्थान है ये आपको बताना है कि किस, यहाँ पे जो है किस साम्राज्य के आपके क्या थे, महानतम शासक थे, ये आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कृष्णदेव जो राय थे, ये आपके जो शासक थे, ये किसके शासक थे, तो विजयनगर के, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पे शासक थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। और इनका जो शासन काल था ये कितना था, 1509 से लेकर आपका 1529 ईस्वी के बीच आपका ये शासक मतलब शासन जो भी था, इनका शासन काल ये था। और यहाँ पे जो आपके कृष्णदेवराय हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको आपको आंध्र भोज, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है, आंध्र आंध्र भोज और अभिनव भोज, ठीक है, अभिनव भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ठीक है, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, इनको कहा जाता है कृष्णदेव राय को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद से हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से क्या है जिससे वाष्पीकरण की दर जो है ये प्रभावित नहीं होती, ये आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, पानी के स्तर से जो है आपका, आप पानी के स्तर से आपका वाष्पीकरण की दर क्या होती है, प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। और प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ठीक है, तीव्रता जब बढ़ेगी, मतलब तीव्रता जो आपकी होगी, प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो भी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, तो वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित होती है, पानी के स्तर से। चलिए ये क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किससे आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो देखिए यहाँ पे mRNA है, RNA है, tRNA है और DNA है। तो इन यहाँ पे आपको खाली स्थान बताना किससे आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये आपका क्या है, DNA जो है ये एक गुणसूत्र का एक क्या है, घटक है, ठीक है, DNA। और किसी खास जाति के जीव के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, ये आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tRNA है, ठीक है, tRNA, एक होता है rRNA, ठीक है, जो ये tRNA ये क्या होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है, tRNA का मतलब ये आपका होता है, ठीक है। लेकिन आपको मतलब सिंपल ये पूछा था किसके अनुसूत्र को नियंत्रित करने वाले गुणसूत्र के घटक है, तो ये आपका क्या होगा, DNA, ठीक है। और DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, DNA के क्रियात्मक खंड को, देखिए इसमें से काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, क्रियात्मक खंड को, DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता था जीन, ठीक है, जीन बोला जाता है, ये भी अब एक अच्छा ही आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आपका है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। इसके बाद से विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया, ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना, यहाँ पे स्थापना की गई, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 विश्व स्वास्थ्य दिवस की यहाँ पे स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद से आपको
आस्कर को इनमें से भी कहा जाता है। आस्कर को क्या कहा जाता है, आस्कर पुरस्कार जो होता है फिल्म फिल्म जगत के लोग को मिलता है, ठीक है। तो आस्कर को जो कहा जाता है अकादमी अवार्ड भी इसको बोला जाता है, अकादमी अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। और ये कब से दिया जाता है आस्कर जो पुरस्कार होता है, ये कब से दिया जाता है, तो 1929 ईस्वी से ये आपको आस्कर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आस्कर पुरस्कार में काफी अच्छे फिल्म जो होते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और इसका ऑफिशियल नाम क्या है, ऑफिशियल नाम है एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है। इसको बोलते हैं एकेडमिक, इस तरह से अगर आप देखें तो इसको, इसका ऑफिशियल एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है, इसकी ऑफिशियल जो ऑफिशियल जो इसका होगा नाम जो होगा, ऑफिशियल नाम क्या होता है, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से यौन प्रजनन के दर दर यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु, यहाँ पे है कि यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे बनाती हैं, क्या बनाती हैं इसको आपको बताने हैं यहाँ पे। तो यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्ति शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है उसमें युग्मन, इसको क्या बोलते हैं, युग्मनज यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, युग्मनज बनाती है, ठीक है। और युग्मनज जो होती है निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है, ठीक है, निषेचित अंडाणु को, मतलब युग्मनज जो कहते हैं ये होता है निषेचित, निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है, युग्मनज, ठीक है, निषेचित अंडाणु को क्या बोलते हैं, युग्मनज यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपको है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम TTP, देखिए थोड़ा सा, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना और गरीबों एवं गरीबों के वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, ये किस वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये जो आपका शुरू किया गया था, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो 1975 ईस्वी को ये शुरू किया गया था, यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ पे गरीबी उन्मूलन, इन गरीबी को वंचितों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 1975 वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ पाए हैं, पर कोई भी दिक्कत है जरूर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था। इसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग में स्थित है, भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग में स्थित है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो भारत का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ पे स्थित है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में आपका कर्नाटका में पड़ता है बेंगलुरु, ये यहाँ पे है, ठीक है। और भारत का साइंस सिटी, साइंस सिटी इसको बोला जाता है, ठीक है, साइंस सिटी, साइंस सिटी इसको बोलते हैं बेंगलुरु को, ठीक है। और सिलिकॉन घाटी इसको इसको बोलते हैं सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी भी आप बेंगलुरु को बोला जाता है, ठीक, मतलब जो सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और इस तरह से आपका जैसे मुंबई है तो मुंबई को क्या बोलते हैं, मुंबई को आपको वित्तीय राजधानी इसको बोलते हैं, ठीक है, वित्तीय राजधानी, ठीक है, वित्तीय राजधानी मुंबई को बोलते हैं। तो ये सब सारा आपका क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में स्थित है, तो ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु जो है कर्नाटका में पड़ता है, और यहाँ पे इसको साइंस सिटी भी बोलते हैं, और सिलिकॉन घाटी आपका बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, पूछ सकता है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को कहा जाता है, ये आपको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इस गति को बोलते हैं सरल रेखीय गति, ठीक है, सरल रेखीय गति इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद से आपका यहाँ पर अगला, पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ये आपको यहाँ बतानी है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ये होती है 6.4, ठीक है, 6.4 × 10⁶, ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पे होती है। और ये तो यहाँ पे हो गया, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे अर्थ है,
ठीक है, अर्थ से जब ऊपर जाएंगे, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन पूछता है, तो जो स्मॉल जी का मान होता है ये क्या होता है, घटता है, स्मॉल जी का मान, और इसका मान कितना होता है 9.8 हम लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऊपर जाएंगे तो, और अंदर जाने पर यहाँ पे देखिए जी का मान घट जाता है, और पृथ्वी का अंदर जाने पर जी का मान क्या होता है घट जाता है, दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है जी का मान जो है यहाँ पे घटता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, नीचे आएंगे तब भी जी का मान घटेगा, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ भी पृथ्वी के मध्य जो भी व्यास होता है, मतलब यहाँ के पृथ्वी के मध्य इस यहाँ पे जो आपका ये डायमीटर जो होता है ये व्यास कितना होता है, तो कुल व्यास आपके 12,734 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर यहाँ पे आपका है, ठीक है, 12,734 किलोमीटर होता है, और पृथ्वी का कुल भार कितना है, अगर कुल अगर यहाँ पे भार की बात करें, कुल भार पृथ्वी की कुल भार ये आपका कितना होता है 5,880, ठीक है, इंटू 10^21 टन के बराबर है, तो 5,880 इंटू 10^21 टन ये आपका कुल पृथ्वी का भार यहाँ पे है, ठीक है, और पृथ्वी की आयु की बात करें, यहाँ पे इसकी आयु की बात करें, पृथ्वी की जो आपकी आयु है ये 4.6 अरब वर्ष, ठीक है, अरब वर्ष माना गया है, माना गया है, ठीक है, 4.6 अरब वर्ष इसकी आयु जो है पृथ्वी की मानी गई है, ठीक है, तो ये सब सारा यहाँ पे क्वेश्चन था इसके इससे रिगार्डिंग, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10^6 मीटर के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1975 में घोषित आपातकालीन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो ये काफी जो है चर्चित है, आपातकाल जो इमरजेंसी लगा था तो उस समय के जो आपकी प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, कांग्रेस की यहाँ पे ये प्रधानमंत्री थी, ठीक है, और जो आपातकाल की जो घोषणा किया गए थे, ठीक है, जो घोषणा हुआ था वो किसके, मतलब ये राष्ट्रपति करते हैं, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पे राष्ट्रपति ये कौन थे, इनका नाम था यहाँ पे फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है, अली फरुखुद्दीन अली अहमद उस समय के राष्ट्रपति थे, इन्होंने घोषणा किया था इमरजेंसी का, ठीक है, तो ये इमरजेंसी का जो दिन था 25 जून, ठीक है, 25 जून 1975, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये इसका दिन था, ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 26 अगर बात करें 25 जून का था तो 26 जून 1975 को जो हुआ था क्या हुआ था, कैबिनेट का जो आपातकाल का क्या अनुमोदन किया था, ठीक है, इसी से जुड़ी आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, और आपातकाल जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, तो 352 अनुच्छेद के यहाँ पे जो होता है अनुच्छेद आपको 352 के अंतर्गत क्या लगाया जाता है, आपातकाल इमरजेंसी यहाँ पे लगाया जाता है, मतलब इसका घोषणा किया जाता है, ठीक है, तो ये सब सारा आपका यहाँ पे इससे क्वेश्चन था, आपको पता होगा कि किसके दौरान हुआ था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री थी 1975 में, और राष्ट्रपति क्या थे, फरुखुद्दीन अली अहमद थे, 25 जून 1975 को ये आपातकाल की घोषणा किया गया था, लगाया गया था, अनुमोदन कब किया गया था, तो 26 जून 1975 को, ठीक है, और 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की आपातकाल की घोषणा किया जाता है, ठीक है, ये सब सारा आपका इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान होगा, कोई भी ग्रह है, ठीक है, प्लेनेट है, अगर वो सिकुड़ना शुरू कर देता है तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, इसको आपको यहाँ पे बतानी है, तो ये क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, जब भी आपका होगा तो स्मॉल जी आपका इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है, और जी का मान कितना होता है यहाँ पे, gm/r² ये आपका जी का मान यहाँ पे होता है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है, और गुरुत्व जनित त्वरण को इससे इसको बोला जाता है गुरुत्व जनित त्वरण, इसका जी का मान कितना होता है, हम हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये गुरुत्व जनित त्वरण होता है, जहाँ जो आपका ए का जो वैल्यू होता है त्वरण v/t के बराबर, वही आपका यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल में यूज होता है, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है, तो ये गुरुत्व जनित त्वरण आपका होता है, ठीक है, इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मान जो है यहाँ पे SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे होता है, समझ गए, ठीक
तो ये सब सारा चीज है। और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है, जब भी आप पृथ्वी है इसका घूर्णन गति जब आप बढ़ाएंगे तो जी का मान हमेशा लो हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा के अनुपात में मौजूद होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा अनुपात में मौजूद होते हैं। अमोनिया, अब देखिए अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आपका जो यहाँ पे होता है ये कितना हो, देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का हमेशा 14 होता है, एक हाइड्रोजन का आपका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपको एक हाइड्रोजन एक होता है 3 है, तो 3 गुणा 1 करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 3, 14 × 3 इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, सॉरी मास नंबर होता है, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मास नंबर कितना होता है 14, ठीक है। ये यही आपका यहाँ पर 14:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, समझ गया। और CO2 का अगर बताना है तो क्या बना बताएंगे आप CO2 का, इसका अगर आप पूछे अनुपात क्या करें, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16, 2 × 3 हो जाएगा 32, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको 2 से करेंगे तो 6 यहाँ पे 16, ठीक है, 2 × 3 और 2 = 8, ठीक है, तो 3:8 आपका CO2 का आपका अनुपात यहाँ पर आ जाएगा, मतलब पूछे तो इस तरह से आप अनुपात निकाल सकते हैं, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन था, अमोनिया फार्मूला NH3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर है, टर्मिनलों के बीच का विभवांतर जो है कितना है 60 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया है आपका, यहाँ पे जो दिया गया है ये है आपका 60 वोल्ट। जब श्रोता स्रोत से 4 वोल्ट की धारा लेता है, यदि विभवांतर बढ़कर 135 हो जाता है तो हीटर में ले जाने वाली धारा बताना है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आपको पता है वी समानुपाती किसके होता है, आई के, मतलब करेंट के, यानी कि वी इक्व टू क्या हो जाएगा, I × R, जब प्रोपोर्शनल हटता है ये आपका फॉर्मूला होता है V = I × R, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V1 / I1 = V2 / I2, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे आपको I2 निकालना है, तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, I2E1 × V1 = V2 × I1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप I2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V2 × I1, ठीक है, V2 × I1 / V1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे I2 जो हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, V2 है आपको 135 × I1, I1 कितना है 4 बाई ये हो जाएगा 60, ठीक है, 60 हो जाएगा, ये 2 और ये आपका 30, मतलब यहाँ पे ये आपका 15, ठीक है, यानी कि 135 / 15 आपका आएगा। अब इससे कैंसिल करेंगे, 15 × 135, 9 एम्पियर, ठीक है, 9 एम्पियर यहाँ पे आपका करंट I2 निकल के आ जाएगा, 9 एम्पियर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, समझ गए। आपको फार्मूला रखना था V = I × R के फार्मूले पर ये लगता, ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले V1 / I1 यहाँ पे, और आप कर लेंगे V1 / I1, क्योंकि R यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका है इलेक्ट्रिक हीटर टर्मिनल विभवांतर उस समय इतना हो जाता है, और 4 एम्पीयर धारा विभवांतर बढ़ाकर इतना हो जाता है, पहले 4 था धारा I, फिर I कितना हो जाता है I2 135 वोल्ट, हीटर में ले जाने वाली धारा बताना है, यानी कि I2 का मान बताना, 35 × 4 / 60 कर देंगे V1 यहाँ पे, यहाँ पे पहले क्या था V2 135 यहाँ पे वोल्ट हो जाता है, ये आपका V2 है, ठीक है, और V1 जो है आपका यहाँ पे क्या था 60, ये आपका V1 है, ठीक है, और धारा यहाँ पे देखिए ये आपका 4, ये आपका I1 है, तो I2 आपको पूछ रहा था, तो I2 यहाँ पर निकाल देंगे, 9 एम्पियर आपका आ जाएगा, समझ गया। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, इसको भी लगा के जाना बहुत जरूरी है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो ये कौन सा है भाई, हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार आपका ये उत्तराखंड में आपका पड़ता है, समझ गए, हरिद्वार जो है यहाँ पे उत्तराखंड में पड़ता है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये भी आपको ध्यान है, जो गंगा नदी है ये गंगा नदी ये मैदानी भाग में यहाँ पे प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और हरिद्वार में आपके जो है कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, कुंभ आपका इलाहाबाद में भी होता है, प्रयागराज में, तो कुंभ मेला का भी आयोजन यहाँ पे होता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन,
राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? प्रेम सिंह तमांग किस भारतीय राज्य से यहाँ पे रखते हैं ये आपको यहाँ बतानी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्किम से। ठीक है, ये किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो सिक्किम राज्य से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1946 में संविधान सभा की गठन द्वारा किसके द्वारा आयोग की गई थी? तो जो संविधान सभा की जो गठन किया गया था 1946 ईस्वी में, ये आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत यहाँ पे इसके तहत गठन यहाँ पे बनाई गई थी, मतलब किया गया था। ठीक है, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो है यहाँ पे बनाई गई थी, और 1944 में भारत यहाँ पे आए थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्ली के नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर यहाँ पे कब्जा कर लिया था, ये आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो किस पर यहाँ पे कब्जा कर लिया था, तो ये आपका किस पे था, मद्रास पे। ठीक है, मद्रास पहले मद्रास था, अब बदल के इसका नाम क्या हो गया है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे था 1746 से लेकर 48 के बीच में इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ पे हुआ था। सत्य, तो इसको भी आपको याद रखना है, मद्रास इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे शिव चौरसिया किस खेल से संबंधित है? जो शिव चौरसिया है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो शिव चौरसिया जो आपके हैं यहाँ पे, ये किस, ठीक है, तो ये आपका गोल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। शिव चौरसिया किस खेल से है, तो गोल्फ से, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है, 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो 17वें समूह के तत्व को हमेशा भी आपको जो बोला जाता है, इसको बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन तत्व यहाँ पे बोलते हैं 17वें को। इसमें क्या होता है, क्लोरीन, कोलीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ये हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, 17वें समूह के तत्व को। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मानवों में गैसों का आदान प्रदान किस में होता है? जो मानवों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये किस में होता है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये आपको कुपिक यानी कि एल्वियोली में आपका यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बायो से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद से, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, इनमें से कौन सा भारत सरकार द्वारा दिए जाने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, ये आपको पता ही होगा यहाँ पे। ठीक है, जो भारत रत्न है ये आपको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और ये कब से दिया जाता है, जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कब से आपको दिया जाता है, तो ये आपका 1954 ईस्वी से दिया जाता है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक यहाँ पे पुरस्कार है। ठीक है, इसके बाद से देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी जाने वाली अपरूपता पाई जाती है, ग्रेफाइट, हीरा और बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसमें से पूछ रहा है कि किस तत्व में अपरूपता पाई जाती है, जिसमें ग्रेफाइट है यहाँ पे, ठीक है, हीरा और बकमिंस्टर फ्लोरीन आपका है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन। कार्बन में क्या पाया जाता है, एलोट्रोप्स फ्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन जो होता है वर्ग 14 का तत्व होता है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर कितना होता है, 14, समझ गया। यहाँ पे ये आपका होता है कार्बन का प्रतीक, प्रतीक इसका कार्बन का सी होता है, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी कार्बन के बारे में पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। और भी सारे क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर हम इससे जुड़ी क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री से, कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, विद्युतीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बतानी है सही क्रम क्या होता है। तो कार्बन नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका अगर देखिए एक तरह से आप देखिए तो कार्बन का यहाँ पे ये 6 होता है इसका, सॉरी एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इसका 7, इसका 9, इसका 8। ठीक है, तो आपको क्या देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका तो ज़्यादा होता है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा ऑक्सीजन का यहाँ पे आगे हो जाता है। एक इसको याद रखिएगा, पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर इसका मतलब फ्लोरीन पीछे हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन आगे हो जाएगा। ठीक है, इसका ज़्यादा होता है, तो आयनन विभव आपका ये यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन फ्लोरीन कार्बन, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन, ये एक आप देखिए ये जो आपका है ना, एक तरह से इसको वो एक्सेप्शन में भी आता है। एक्सेप्शन में मतलब
कि आप इसको एक्सेप्शन याद रखें। कई लोग ऐसे ऐसे कर देंगे, फ्लोरीन देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे, फिर आपको कार्बन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है इसको मार दें, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा 4 होती है, इसको 3.5 इसका लगभग 3 के पास में होता है, इसका 2 समथिंग होता है। तो इस हिसाब से आप जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख मार देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। आपको ये वाला याद रखना है, ऑक्सीजन के बाद से फ्लोरीन, मतलब 6, 7, 7 के बाद 8, 9, 7 से 8, ठीक है। इस तरह से अगर पूछती तो ज़रूर आप रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। इनमें से चूना पत्थर को जब भी आप गर्म करेंगे तो इनमें से क्या प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्राप्त होगा। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसको बोला जाता है, बुझा हुआ, अनबुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो H2O2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे था। चलिए तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कोई भी डाउट दिक्कत है जरूर आप एक बार कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। आगे जो भी हमारा नोटिस होगा, न्यूज़ होगा, या हमारी सिलेबस के बारे में कुछ भी है, तो हम जरूर उसके लिए जरूर लेके आएंगे। आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।